नमस्कार, मैं हूं राजकुमार डामोर। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं इस बार यहां से निर्दलीय तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा, और क्यों लड़ूंगा उसका भी मैं कारण आपको जल्द ही बताऊंगा। मेरी क्या विचारधारा रहेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्द ही आपके बीच में बता दूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सागवाड़ा विधानसभा में सागवाड़ा की जनता की जीत अवश्य होगी, यह मैं दावा करता हूं। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर बीटीपी ने जारी की आज तीसरी सूची, जिसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने सूची जारी करते हुए बताया कि डूंगरपुर सीट से डॉक्टर दीपक गोगरा को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, जो उनके पुत्र हैं। वहीं डॉक्टर दीपक गोगरा डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के प्रसूति विभाग में डॉक्टर भी हैं। इधर सागवाड़ा से बीटीपी के राज्य सचिव मोहन डेंडोर को पहले ही टिकट जारी कर दिया गया है। वहीं मोहन डेंडोर लैम्स में अध्यक्ष भी हैं। जोधपुर जिले की सेरगढ़ सीट से तकाराम भील को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले बीटीपी ने अपनी 2 लिस्ट जारी की थी, जिसमें 12 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। सागवाड़ा की राजनीति में भी एक बार भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने शंकरलाल डेचा को बीटीपी में, मोहन लाल डेंडोर को तो भारत आदिवासी पार्टी ने मोहन राउत को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के रूप में महिला प्रत्याशी भी मैदान में उतरने वाली है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है। वहीं इधर राजकुमार डामोर ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद सागवाड़ा की राजनीति सियासत गर्माई हुई नजर आ रही है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।